नमस्कार, मैजी किचन में आपका स्वागत है। आप आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे, तो चलिए बनाते हैं छोले। छोले के लिए हम 250 से 300 ग्राम छोले लिए हैं, जिसको ओवरनाइट भिगो दिए थे। और देखिए अच्छा से फूल गया है, और इसको हम उबाल लेंगे। उसके लिए हम लेंगे कुकर, उसमें हम चना को डाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, 1 मीडियम साइज का प्याज काट करके डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, थोड़ा इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 5-6 लौंग। इसको मिला लेंगे और इसको बंद कर देंगे, और 3 से 4 सीटी लगाने तक इसको उबाल लेंगे। चार सीटी लग गया है और गैस कर देंगे बंद। जब तक गैस निकल रहा है तब तक हम रेडी कर लेते हैं। तब तक मैं 2 मीडियम साइज का प्याज काट लिए हैं, 3 से 4-5 मिर्चा है हरा मिर्च, और 1 गांठ लहसुन की कलियां, और 1.5 इंच अदरक के टुकड़ा, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। चना उबल गया है, इसको खोल कर देखते हैं। इसको चेक कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा नरम हुआ है। इसको दूसरा बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। कुकर को गैस पर रख दिए हैं, इसी में अब मसाला रेडी करेंगे। इसमें डाल देंगे ऑयल, इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा साबुत जीरा। जीरा चटक गया है और इसमें डाल देंगे प्याज। इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखा नहीं होता है। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च का, थोड़ा भून लेंगे इसको। अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट भून गया है, और इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर जो काट लिए हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि छोला में पहले से हम नमक डाल चुके हैं। टमाटर नरम हो गया है, देखिए। ये मीडियम फ्लेम पर मसाला को भूनिएगा। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच छोला मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको थोड़ा भून लेंगे। आधा चम्मच मीट मसाला डाल देंगे।
जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। मसाला भून गया है और इसमें डाल देंगे चना, चना मिक्स कर लेंगे, इसमें मिला देंगे। इसमें डाल देंगे पानी, ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे जब तक उबाल ना आ जाए तब तक। मेरा चना बनकर तैयार हो गया है, अच्छा से उबाल आ गया है। इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया, मिक्स कर देंगे। और गैस को कर देंगे बंद। मेरा छोले रेडी हो गया है। अब हम भटूरे के लिए मैदा को गूंद लेते हैं। एक लेंगे बॉल, उसमें इस कटोरी से दो कटोरी मैदा ले लेंगे। दो चम्मच सूजी डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसी कटोरी से आधा कटोरी दही ले लेंगे। इस दही में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, दो चम्मच चीनी डाल देंगे, चम्मच से धीरे धीरे इसको मिला लेंगे, चम्मच से धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। और इसी दही से आटा को गूंद लेंगे। इसका एक नरम डो बन गया है। इसमें थोड़ा ऑयल लगा करके मसल लेंगे। एक नरम डो हो गया है, इसको हम ढक देंगे, कम से कम एक घंटा के लिए रेस्ट करने देते हैं इसको। आप चाहें तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। आटा सेट हो गया है, डेढ़ घंटा हो गया है करीब। मेरा आटा अच्छा तरह से फूल गया है। पैन को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें डाल देंगे ऑयल, इसको एक लोइया बना लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें भटूरा तलेंगे।
इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे। तो आइए सर्व करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा अगला रेसिपी आपको मिलता रहे।